तो भाई आज की डेटिंग फोटो पे एप्लीकेशन के अंदर होने वाली है, तो जल्दी से इस वाली वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड हाँ, मैं फोटो पे के ऊपर कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करी जा रहा हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल के इंटरनेट को ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद फोटो पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जिन लोगों के पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हो, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सबसे पहले क्या करना है, अपनी फ़ोटो को इसके अंदर ले आना है। उसके लिए हमने जाना है फाइल में, दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा ओपन के नाम से, वहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड फाइल पे क्लिक कर देना है तो गैलरी ओपन हो जाएगी। एंड जोन से भी फ़ोटो एडिट करनी होगी उसको ले लेंगे गैलरी से। तो भाई फ़ोटो ओपन होने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर एक प्रीसेट अप्लाई करेंगे। तो उस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ डाउनलोड करने के बाद यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, लेयर पैनल में चले जाना है, जो कि ये रही। तो इसके अंदर आपको नीचे तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इसको एडजस्टमेंट लेयर बोलते हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है, कलर लुकअप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस वाली जगह पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से इस वाली जगह पर क्लिक करना है, छोटी सी एरो बनी होगी। उसके बाद लोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है, जो कि तीसरे नंबर पे है। एंड फाइल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, गैलरी ओपन हो जाएगी। तो अभी क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। एंड अभी क्या करना है, डाउनलोड वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो प्रीसेट डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड फोल्डर में ही आती है, अगर आपकी प्रीसेट नहीं आती तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके डाउनलोड वाले फोल्डर में डाल लेना। एंड अभी हम ढूंढ लेंगे कहाँ पर है वो। तो ये रही वो प्रीसेट जो डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी के लिए इसके ऊपर एक क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे एंड प्रीसेट अप्लाई हो जाएगा। तो भाई प्रीसेट अप्लाई हो चुका है एंड हमारी फ़ोटो भी एडिट हो चुकी है। तो अगर प्रीसेट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो, अगर आपने और ज़्यादा इसकी वैल्यू करनी है तो आप इसकी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हो, तो इफ़ेक्ट डबल हो जाएगा। एंड अगर प्रीसेट के कलर को कहीं से रेज करना है वो भी आप कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी हुई है, आप उस वीडियो को देख लेना अगर आप जानना चाहते हो। ओके, तो फोटो बन चुकी है, अभी इसको गैलरी में सेव कर लेंगे। उसके लिए हमने जाना है फाइल वाले ऑप्शन में दोबारा से, अभी हमने जाना है एक्सपोर्ट एज पे, जेपैग पे। इसकी क्वालिटी 100% रखनी है एंड सेव कर देना है। तो फोटो फुल HD में गैलरी में सेव हो जाएगी, क्वालिटी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाई आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।